हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइडली यूट्यूब चैनल पे। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मंगलवार के दिन सुबह 10 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो कि लाइव आए थे और उन्होंने जो लॉकडाउन है उसको एक्सटेंड किया है, जिसे हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं लॉकडाउन 2 या लॉकडाउन 2.0। तो चलिए जानते हैं इस सेशन के हाईलाइट में कि क्या क्या चीजें यहाँ पे कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। So, देखिए गाइस, इस सेशन को आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहता हूँ जो कि इस समय सबसे ज्यादा है और COVID-19 का ये डेटा है ऑल ओवर द वर्ल्ड का। आप सभी जानते हैं कि COVID-19 ने सबसे ज्यादा अटैक किया है और करीब 19 लाख से ज्यादा लोग वर्ल्ड वाइड इससे सफर है। लाइक इटली की बात करते हैं, स्पेन की बात करते हैं, USA, फ्रांस एंड जर्मनी, ये 5 कंट्री ऐसी है जिनमें 1 लाख से ज्यादा लोग जो है इस डिजीज से अफेक्टेड है और डेथ का जो टोल है वो भी यहां पर 1 लाख से ज्यादा क्रॉस कर चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करूं तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं टोटल केसेस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम दे रहे हैं एक्टिव केसेस, तो ये करीब 19,25,224 है, यानी कि 20 लाख ये मान के चलिए। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ये केस भी बढ़ता जा रहा है। टोटल डेथ अगर हम बात करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की, ये 1,19,702 हो चुका है और रिकवर्ड पीपल बहुत कम है। अगर मैं देखूं तो टोटल केसेस 20 लाख और रिकवर पीपल भी यहां पे करीब अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख लोग हैं जो रिकवर हुए हैं, जो कि जिसे हम कह सकते हैं अभी बहुत कम है क्योंकि हमें अभी बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचानी है इस वायरस से। आगे अगर मैं आपको दिखाता हूं तो देखिए यहां पर मैंने आपको एक लिस्ट दी है जिसमें पर्टिकुलर कंट्रीज जो कि टॉप 10 टॉप 15 कंट्रीज के नेम मैंने यहां पे लिखे हुए हैं जिनमें टोटल केसेस यहां पे बताए गए हैं और टोटल डेथ भी आप यहां पे देख सकते हैं। अकेले US में 23,000 डेथ है और उसके बाद सेकंड नंबर पे इटली आता है, 20,000 डेथ से ज्यादा हो चुकी है और टोटल जो पीपल रिकवर हुए हैं वो भी यहां पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिकवर इस समय में चाइना के अंदर हुए हैं 77,738 और उसके बाद फिर यहां पे आप देख सकते हैं तो स्पेन और जर्मनी आता है जिन्होंने अपने लोगों को रिकवर किया है काफी, ठीक है। तो इस लिस्ट को आप जरूर देखिए। अब हम बात करते हैं COVID-19 की, हमारे देश में क्या सिचुएशन चल रही है। आप देखिए कि काफी तेजी से अभी वायरस हमारे देश के अंदर बढ़ रहा है। इवन दैट हमारी गवर्नमेंट ने 21 तारीख को ही, पिछले महीने की 21 तारीख को ही लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में कुछ ऐसी हरकतें हुई हैं जिसके कारण हमारा ये कह सकते हैं COVID-19 ने काफी तेजी से स्प्रेड हुआ। तो अभी हम यहाँ पे बात करते तो अब हमारे देश ने 10,000 क्रॉस कर लिया है टोटल केसेस के कारण और अप्रोक्सीमेटली 350 से ज्यादा लोग डेथ के शिकार हो चुके हैं इस वायरस से और रिकवर पीपल बहुत कम है, दैट इज 1,205 लोग जो हैं अभी तक रिकवर हुए हैं। इसका मतलब है इंडिया के अंदर सिचुएशन अब काफी बढ़ रही है इस COVID-19 की और हमें इसको टैकल करना होगा, हम इंडियन पीपल को, हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा और इसको कोशिश करनी होगी कि हम अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को ज्यादा से ज्यादा बनाए रखें और इसको स्प्रेड ना होने दें। तो देखिए, आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने सेकंड यहां पे आज सुबह 10 बजे आए और सेकंड लॉकडाउन को लेकर के कुछ अनाउंस किया है, कुछ एक्सटेंड किया है। देखिए क्या क्या यहां पे पॉइंट लिखे हैं वो मैं आपको यहां पे बता दूं। सबसे पहला पॉइंट ये बोला गया है कि पीपल नीड टू फॉलो लॉकडाउन टिल 3rd May, यानी कि ये कहा गया है कि 3 मई तक लॉकडाउन जो है वो रहेगा, आपको उसे फॉलो करना होगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये भी कहा गया कि जो हाईली अफेक्टेड एरियाज हैं, ध्यान रखिएगा, हाईली अफेक्टेड एरियाज जो है उनके ऊपर सुपरविजन रहेगा, बहुत केयरफुली उनके ऊपर नजर रखी जाएगी ताकि इस डिजीज को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 20 अप्रैल तक लॉकडाउन को इसी तरीके से स्ट्रिक्ट मैनर में फॉलो करना है, यानी कि 20 अप्रैल तक, 20 अप्रैल के बाद की यहां पर कुछ बात कही गई थी रिलैक्सेशन की, जिसमें भी ये कहा गया था कि ये उन्हीं जगहों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, अलाउ किया जाएगा जो कि लेस अफेक्टेड एरियाज हैं, जहां पे बहुत कम अफेक्टेड पीपल हैं, ठीक है। और ये भी कहा गया कि इन दोज एरियाज रिलैक्सेशन विल बी अलाउड फॉर सर्टेन एसेंशियल सर्विसेज, यानी ये कहा गया है कि रिलैक्सेशन तो हम दे रहे हैं लेकिन कुछ कंडीशंस पे दे रहे हैं जिसमें कि कुछ एसेंशियल सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कर सके। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए काफी कुछ यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है हमारे देश के लिए, हमारे लिए अपने लिए, हमारे अपने लोगों के लिए। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द पीपल हु वायलेट द लॉकडाउन,
यानी साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी पर्टिकुलर कह सकते हैं कास्ट का बंदा अगर यहां पर किसी भी तरीके से लॉकडाउन को वायलेट करता है, तोड़ता है, उसके अगेंस्ट जाता है, तो उसके खिलाफ बहुत कड़े से कदम उठाए जाएंगे। डोंट अलाउ टू फर्दर स्प्रेड ऑफ COVID-19। और ये कहा गया है कि प्लीज आप लोग अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, इसको और अलाउ मत करो ताकि ये और ज्यादा स्प्रेड हो और हमें, हमारे लोगों की जान देनी पड़ जाए। आगे कहा गया कि आगे वाले वीक में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें COVID-19 को कंट्री में स्प्रेड होने से रोकना है, तो हमें कंट्रोल करना है हमें सबको मिलकर के। तो उसके लिए एक यही एक बहुत बढ़िया रास्ता है, वो यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें बना के रखनी है। इसका एक ग्रेट एडवांटेज ये होगा कि हम इस डिजीज को कंट्रोल कर पाएंगे, इसको बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पे रखनी होगी। अगर ये चीज एक बार बढ़ गई, अगर ये डिजीज और बहुत तेजी से बढ़ गई, तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम, हमारा जो देश है बच्चों, वो सेकंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन के अंदर। सोचिए चाइना ने काफी हद तक इसको कंट्रोल कर लिया है, और उसके बाद अगर हम आते हैं तो अब हम ही है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और हमारे हम सभी जानते हैं कि यार हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, बहुत सारी चीजों पे हम लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें बच के रहना है, क्योंकि इसके आप देख सकते हैं, इनफैक्ट मैंने आपको एक लिस्ट दी थी कंट्रीज की कि कितनी लोगों ने अपनी यहाँ पे जान गंवा दी है अपने देश में। तो हमें तो एटलीस्ट ये प्रे करना है, मतलब हम ये कह सकते हैं प्रे भी करना है हमें अपने भगवान से, हमें डॉक्टर्स को थैंक यू भी बोलना चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री को भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने बहुत जल्दी ही लॉकडाउन कर लिया, ताकि सिचुएशन काफी हद तक हमने कंट्रोल करके रखी हुई थी, ठीक है। सो और ये भी कहा है मोदी जी ने स्पेशली अपनी स्पीच के अंदर, और लोगों को, आपको, मुझे, सबको थैंक यू बोला है कि आप सब लोग अपने घर पे हैं, ठीक हैं, और नेशन का ख्याल रख रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने आपको थैंक यू भी बोला है। लेकिन मोदी जी ने यहाँ पे कुछ एक्शन है जो रिकमेंड किए हैं, और ये भी बताया गया कि लोग इन्हें फॉलो करें। सो हमारी जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या लिखा गया है। इट इज आवर ड्यूटी टू सेफगार्ड ऑल द एल्डरली पीपल ऑफ आवर कंट्री। यानी कि अगर सबसे पहला पॉइंट ये कहा है अपनी स्क्रिप्ट में उन्होंने, कि लोग जो हैं अपने घर के जो बड़े हैं उनको थोड़ा ध्यान रखिए, उनका सेफगार्ड करें, उन्हें किसी तरह कोई दिक्कत ना आने दें, ठीक है, ताकि ये डिजीज आगे ना बढ़े। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उन्होंने बोला है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, इसमें किसी भी तरह की कोताही ना बरतें। थर्ड, ये भी कहा गया है कि डोंट स्टॉप योर सर्वेंट ऑफ योर हाउस फ्रॉम द वर्क। ये भी कहा गया है कि डोंट स्टॉप योर सर्वेंट, आप अपने सर्वेंट को रोकिए मत कि वो अपने आपके घर में आके काम ना करे। अगर आप काफी हद तक चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको, आप अपने सर्वेंट को आने दीजिए, उन्हें काम करने दीजिए, नहीं तो उनकी फैमिली बहुत ज्यादा सफर करेगी इससे। अगर आप कोई दूसरा तरीका भी देख सकते हैं उन्हें सपोर्ट करने का, तो वो भी जरूर करिए। रेस्पेक्ट ऑल द पीपल हु आर फाइटिंग अगेंस्ट द COVID-19। ये भी कहा है उन्होंने कि भाई जो लोग फाइट करके जीत के आ रहे हैं उनको थोड़ा रेस्पेक्ट दे, उनसे डरे ना, उन्हें घबराए ना। सोशल डिस्टेंसिंग एक अलग बात है, उसको आप रखिए, लेकिन आप इस तरीके से रेस्पेक्ट करिए उनको, किसी भी तरीके से गलत निगाहों से ना देखें। आप अपने आसपास की जितनी भी लोकेलिटी में गरीब लोग हैं, प्लीज उनकी मदद करिए, हो सकता है उनके, आप ही उनके सहारे हों इस समय, और वही आपने आपके अंदर अपना भगवान दिखता हो। तो प्लीज अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई गरीब पीपल आपके आसपास है, आपकी लोकेलिटी में आपका सर्वेंट है, अगर वो गरीब है, तो आप उनकी हेल्प करें, ठीक है, उनको बेसिक नीड से हेल्प करें। अगर आपको लगता है कि आप पैसे नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं है, अगर आप उन्हें दो वक्त का खाना प्रोवाइड कर देते हैं इस वक्त में, तो इससे अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता है। एक और कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करी है, जिसके अंदर कई सारे प्रिकॉशंस मेजर दिए गए हैं। तो कृपया करके आप सब लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करिए, और जो भी प्रिकॉशंस मेजरमेंट वहां पे बताए गए हैं उसको फॉलो करिए। सो यही कहा है पूरी स्पीच में कि आप सभी को लॉकडाउन को 3 मई तक फॉलो करना है, ताकि हम यूनिटी के साथ इस लॉकडाउन से फाइट कर सकें, इस COVID-19 से फाइट कर सकें, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, यही थी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी स्पीच में दिया। आई होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आप किस तरीके से फाइट कर रहे हैं COVID-19 से, आप, आपकी फैमिली, आपके लोग, आप, आपके सोसाइटी किस तरीके से COVID-19 को फॉलो कर रहा है, तो प्लीज जरूर कमेंट करें इस वीडियो के नीचे। थैंक यू सो मच।